नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे पेट के किस भाग में कौन सा ऑर्गन है, यानी कि अगर हमारे पेट के किसी भाग में दर्द होता है तो उसका मतलब क्या है। जब आपको आंव आ रही हो या म्यूकस आ रहा हो मोशन में, या आपका लिवर फैटी हो गया हो, या गॉल ब्लैडर एरिया में पेन हो, तो उसका मतलब क्या है और कौन से एरिया में पेन होगा, यही न्यूरोथेरेपी का आधार है। हम पेट के दर्द को निकाल कर हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, यानी कि आपकी बीमारी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसका आधार पेट है। तो पेट के किस एरिया में दर्द होगा तो उसका इंडिकेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अंत तक देखना, पूरी वीडियो देखना, तभी जाकर आप पूरे पेट को समझ पाएंगे कि पेट के किस एरिया में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो जब भी हम किसी का पेट चेक करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ और आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि कौन से एरिया में कौन सा ऑर्गन होगा। तो आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको आसानी से और आराम से सारी चीज़ें समझ आ जाएं। देखिए, ये जो एरिया है ये नाभि का एरिया है, मैंने यहाँ पर गोला खींच दिया है, ये नाभि का है, ये आपको दिख भी रहा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये इनका रिब्स का एरिया है, अगर मैं यहाँ से एरिया खींचूँ तो ये रिब्स का एरिया है, यानी कि ये हड्डी है। यहाँ पर हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते दबा कर, है ना, तो ये रिब्स का एरिया है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो ऐसे ही ये भी रिब्स का एरिया हो गया, तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, यानी कि हम इसके ऊपर हम चेक नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ दबा कर चेक नहीं करेंगे। अब ये इनका स्टर्नम का एरिया है, ये इनका स्टर्नम बोन है, यानी कि अगर मैं इससे ऊपर की बात करूँ तो ये यहाँ पर भी हड्डी है, हम हड्डी पर कभी भी चेक नहीं करेंगे, कभी भी दबाव नहीं देंगे, तो यानी कि ये एक एरिया डिवाइड हो गया जो हमें ऊपर पर टच नहीं करना, ना उस पर दबाना है। अब हम चेक करेंगे इस एरिया की, अब कौन सा एरिया बचा, ये एरिया। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पेल्विक का एरिया है, ये बोन आ गई हमारी, ये हमारी पेल्विक यहाँ से आ गई। अब जितने भी ऑर्गन हैं वो इस बीच में हैं। तो अब आपको बताता हूँ कि वैसे तो हमारे ऑर्गन ओवरलैप होते हैं, यानी कि 3D शेप में हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी कैसे दर्द को निकाल सकती है और किस एरिया में दर्द है तो क्या मतलब है, ये बताता हूँ। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया पहला बना, ये हमारा है पैंक्रियाज का एरिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी, यानी कि ये जो एरिया है, अगर इस एरिया में दर्द है तो इस एरिया में हम न्यूरोथेरेपी में बोलते हैं कि आपके पैंक्रियाज के एरिया में पेन है। यानी कि जब भी न्यूरोथेरेपिस्ट कभी भी यहाँ चेक करता है और यहाँ पेन है, तो वो हमारे पैंक्रियाज के पॉइंट से इस दर्द का एरिया ठीक करेगा, यानी कि यहाँ के दर्द को निकालेगा। इसके बाद में यहाँ से ये जो एरिया है, ये हमारा गॉल ब्लैडर का एरिया है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को यहाँ पेन है, मैं यहाँ दबाता हूँ और यहाँ पेन कोई बताएगा, तो ये गॉल ब्लैडर का पेन है और यहाँ का दर्द हम न्यूरोथेरेपी में गॉल ब्लैडर पॉइंट से ही निकालेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको न्यूरोथेरेपी में गॉल पॉइंट पता है, तो वो गॉल पॉइंट देकर इस एरिया का दर्द निकाल सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचूँ, तो ये जो हमारा है ये स्प्लीन का एरिया है, स्प्लीन जिसको हिंदी में हम आमतौर पर तिल्ली बोलते हैं, कहते हैं तिल्ली बढ़ गई है, तो स्प्लीन इनलार्जमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये हमारा स्प्लीन का एरिया है, यानी कि यहाँ अगर पेन है तो न्यूरोथेरेपी में हम स्प्लीन का पॉइंट देकर यहाँ के दर्द को निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ये पैंक्रियाज का एरिया हो गया, मैं ड्रॉ करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। इसके बाद में यहां से ये जो एरिया है, ये एरिया, इसमें हम 1, 2, 3 लिख देते हैं। ये जो 3 पॉइंट है, जहां तक मैंने ड्रॉ करा है, ये ध्यान करना, मैं ड्रॉ इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट जो हैं, ये गैस ओनली है, न्यूरोथेरेपी में गैस ओनली है, और नहीं तो इसको हम स्टमक का एरिया बोल सकते हैं। और यहां मैं लिख देता हूं एस, यानी कि स्टमक का एरिया। यहाँ अगर पेन होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है या गैस की समस्या हो सकती है, और गैस की समस्या में सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ होता है या इसके पीछे, ठीक पीछे पेट में होगा। तो ये गैस की समस्या, यानी कि गैस ओनली का पॉइंट है। इस एरिया में दर्द को हम अगर हमें निकालना है तो न्यूरोथेरेपी में गैस ओनली का पॉइंट दिया जाएगा, गैस ओनली से हम इस एरिया के दर्द को निकाल देंगे। गैस ओनली के बाद में अब ये जो एरिया है नीचे नाभि की तरफ, देखिए मैं बिल्कुल आपको साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1, 2, 3,
ये जो एरिया है गैस ओनली का पूरा ऊपर हो गया, इसको हम स्टमक का एरिया बोलते हैं, यानी कि इस एरिया में अगर हमारा पॉइंट में दर्द है, आप जब भी टच करेंगे और यहाँ पेन है या दबाने पर पेन है, इसका मतलब है स्टमक का पेन है और इसे हम गैस ओनली पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। अगर इस एरिया के बाद में पेन है, यानी कि इस एरिया में पेन है, तो 1, 2, 3 पॉइंट बनाए और इस पॉइंट को न्यूरोथेरेपी में कहा जाता है गैस आई पॉइंट। गैस आई, आई का मतलब इंटेस्टाइन, यानी कि गैस आई वाले पॉइंट से, गैस आई वाले पॉइंट से हम यहाँ के दर्द को निकाल देंगे। यानी कि अगर इस एरिया में पेन है आपको, किसी को भी पेन है, आप चेक करते हैं किसी का भी और पेट के इस एरिया में पेन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गैस आई के पॉइंट से हम इस एरिया का दर्द निकालेंगे, यानी कि इस एरिया की जो रजिस्ट्री हमने कर दी है वो गैस आई के नाम पे कर दी है। तो पैंक्रियाज गैस ओनली, गैस आई नाभि। अब नाभि से नीचे ले लेते हैं ताकि आपको एक एक करके ध्यान आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ या नीचे तक थोड़ा सा और देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वैसे हमारा लोअर एब्डोमेन का पार्ट है, तो इसमें भी 1, 2, 3 ये हमारा फीमेल के अंदर यूट्रस का एरिया होगा, यानी कि जो पीरियड्स वगैरह आते हैं यूट्रस के थ्रू आते हैं, तो यूट्रस का एरिया हो गया। मेल के अंदर ये प्रोस्टेट का एरिया है, आपने सुना होगा प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया मेल के अंदर, पेशाब की दिक्कत हो जाती है, पेशाब नहीं आ पाता, तो ये यूट्रस और प्रोस्टेट का एरिया है। यानी कि 1, 2, 3 पॉइंट में अगर पेन है तो ये जो दर्द निकलेगा न्यूरोथेरेपी में, इसके लिए पॉइंट होता है WD। WD का फुल फॉर्म होता है वाई डिस्चार्ज। ये फीमेल के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिसे ल्यूकेरिया कहा जाता है, जिसमें हमारे फीमेल्स के अंदर वाई डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी का आने की समस्या, उस समस्या के नाम पर इस पॉइंट का नाम रखा है, यानी कि WD पॉइंट। ये मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी पॉइंट कॉमन है, क्योंकि ये एरिया तो कॉमन है, इसलिए इस एरिया को अगर हमें दर्द निकालना है तो एक कॉमन पॉइंट है दोनों में ही WD का पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, 1, 2, 3 ये जो एरिया है, ये एक्चुअल में तो यहाँ हमारी असेंडिंग कोलोन भी है, लिवर का पार्ट भी है, तो इस एरिया की जो रजिस्ट्री हमने की है, ये रजिस्ट्री की है लिवर के नाम पर। यानी कि 1, 2, 3 इस एरिया में अगर पेन है तो इस एरिया को हम मानेंगे कि आपके लिवर के एरिया में पेन है, यानी कि लिवर में कहीं ना कहीं लिवर फैटी है, लिवर सिरोसिस है, या लिवर की अन्य कोई दिक्कत है, या लिवर इलार्जमेंट है। तो लिवर के एरिया को हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम जब चेक करते हैं इस तरीके से, अभी मैं लास्ट में आपको सब चेक करना बताऊंगा कि कैसे हम चेक करेंगे, अभी केवल हम इसको ये देख रहे हैं कि इसके एरिया को कौन कौन सा एरिया किस नाम से है। तो ये हमारा हो गया लिवर का एरिया, यानी कि इस एरिया में दर्द होगा तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट इस लिवर के पॉइंट से इस एरिया के दर्द को निकाल सकता है। इसी प्रकार से इसके ठीक अपोजिट साइड में ये जो पॉइंट है, इस एरिया की बात करूं, 1, 2, 3 ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम म्यूकस के नाम पर रखा गया है। म्यूकस क्या है, हमारे सभी ऑर्गन्स के अंदर म्यूकस बनता है, लेकिन म्यूकस ना बने, अगर इस एरिया में म्यूकस ना बने तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, क्योंकि मोशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस एरिया को म्यूकस का नाम रखा गया है, और अगर इस एरिया में दर्द है तो इस एरिया का मतलब है कि आपको म्यूकस पॉइंट में दर्द है, और एक न्यूरोथेरेपिस्ट इस जगह के दर्द को म्यूकस के पॉइंट देकर ठीक कर सकता है, यहाँ के दर्द को निकाल सकता है। तो ये लिवर का हो गया, ये म्यूकस का हो गया। अब आपने ये देखा, इतना देख लीजिए, ये पैंक्रियाज है, ये गैस ओनली है, ये गैस आई है, ये गॉल है, ये स्प्लीन है, इधर हमने WD बनाया लोअर एब्डोमेन में, ये लिवर बना दिया, ये म्यूकस का एरिया बना दिया। अब ध्यान से देखना है, क्योंकि अब ये नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना है। अब हम इस एरिया की बात करेंगे, ये जो एरिया है, ये एरिया जो तिरछा बच गया इस एरिया को, ये हमारा एरिया है डिसएंट्री का। डिसएंट्री का मतलब है कि आपको जिसको भी लूज मोशन होते हैं वो यहाँ पेन जरूर करेगा। जिसको भी लूज मोशन होंगे, लगातार मोशन आते हैं, तो ये डिसएंट्री का एरिया है, इसके इसमें आपको पेन होगा। जिनको लूज मोशन हो रहे हैं या लूज मोशन होते हैं, जिनको लूज मोशन होने की आदत है, उनके पेट बार बार लूज मोशन करता है या हफ्ते में 2-3 बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो उनको इस एरिया में पेन होगा। यानी कि अगर इस एरिया में पेन है तो इस एरिया के दर्द को हम डिसएंट्री का पॉइंट देकर ठीक करेंगे। यानी कि अगर किसी को भी यहाँ दबाने पर दर्द है, ऐसे तिरछा चेक करेंगे, अभी बताऊंगा आपको
तो यहाँ पेन है तो हम इसको डिस एंट्री पॉइंट देकर इसके दर्द को ठीक करेंगे। क्लियर। अब यहाँ से इस एरिया को देख लेते हैं। ये जो तिरछा एरिया है, ये जो तिरछा एरिया है, ये हमारा है कॉन्स्टिपेशन का एरिया, यानी कि यहाँ इस एरिया में कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ लूज मोशन हो सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन का पेन होगा, यानी कि इस एरिया से जैसे मोशन आगे बढ़ता है उस एरिया में यहाँ से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पेन है या किसी अन्य को यहाँ पेन है तो इस एरिया के दर्द को हम कॉन्स्टिपेशन का दर्द पॉइंट देकर यहाँ के दर्द को निकाल सकते हैं, यानी कि न्यूरोथेरेपी का कॉन्स्टिपेशन पॉइंट इस यहाँ इस एरिया के दर्द को निकालता है। अब हम नीचे देखते हैं। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये जो एरिया है फीमेल के अंदर ये लेफ्ट ओबरी है, फीमेल के अंदर ये लेफ्ट ओबरी है और मेल के अंदर ये लेफ्ट टेस्टिस का एरिया है, यानी कि यहाँ से फीमेल में ओबरी को ब्लड सप्लाई जाएगी, मेल के अंदर टेस्टिस को जाएगी, यानी कि ये हमारा है लेफ्ट ओबरी का एरिया। अगर इस एरिया में किसी को भी पेन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो मेल का ये टेस्टिस का एरिया काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। फीमेल है तो उस कंडीशन में फीमेल की लेफ्ट ओबरी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, यानी कि पीसीओडी की समस्या हो सकती है, उनको पीरियड्स की दिक्कत हो सकती है, हार्मोनल समस्या हो सकती है, उनको मेल करेक्टर्स हो सकते हैं, कई लोगों को फीमेल को आपने देखा होगा उनको दाढ़ी मूछ आ जाती है, तो ये ओबरी के एरिया की वजह से होता है। तो इसी प्रकार ये लेफ्ट ओबरी के एरिया के यहाँ अगर दर्द है मेल को फीमेल को, तो हम न्यूरोथेरेपी का पॉइंट कॉमन है, चाहे मेल हो फीमेल हो, लेफ्ट ओबरी के पॉइंट देकर यहाँ का पेन हम निकाल सकते हैं। इस एरिया में इसी प्रकार दर्द हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, तो इस एरिया में अगर पेन है तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट राइट ओबरी है, यानी कि राइट ओबरी है। मेल के अंदर ये राइट टेस्टिस हो जाएगा, फीमेल के अंदर ये राइट ओबरी हो जाएगी। इसकी भी जिम्मेदारी है कि नॉर्मल पीरियड्स आए, सारी हार्मोनल सारी एक्टिविटीज नॉर्मल रहे, ये इसकी जिम्मेदारी है। जब ये काम नहीं करेगा तो पीसीओडी की समस्या फीमेल के अंदर हो जाती है, लेकिन अगर ये मेल के अंदर राइट टेस्टिस काम ना करे तो मेल को भी हार्मोनल समस्या हो जाती है और यहाँ पेन भी होगा। यानी कि मेल और फीमेल को अगर किसी को भी यहाँ पेन है तो इस पेन को निकालने के लिए न्यूरोथेरेपी का राइट ओबरी पॉइंट दिया जाता है। राइट ओबरी पॉइंट से हम इस एरिया के दर्द को निकाल देते हैं, तो इस एरिया के दर्द को राइट ओबरी पॉइंट से हम निकाल सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा पैंक्रियास का पॉइंट हो गया, ये हमारा गैस ओनली का पॉइंट हो गया, ये हमारा गैस आई का पॉइंट हो गया, ये हमारी नाभि हो गई, नाभि से नीचे यूट्रस का एरिया हो गया, मेल के अंदर प्रोस्टेट का एरिया हो गया, लेकिन दोनों के लिए हमने कॉमन वर्ड बनाया डब्ल्यू डी पॉइंट, यानी कि इन पॉइंटों से हम यहाँ का दर्द निकालेंगे। ये हमारा गॉल बैडर का पॉइंट हो गया, यहाँ दर्द है तो गॉल बैडर पॉइंट से निकल जाएगा, यहाँ दर्द है तो हम स्प्लीन के पॉइंट से निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ दर्द है तो ये लिवर का पॉइंट है एल, यानी कि लिवर के पॉइंट से यहाँ का दर्द निकालेंगे। यहाँ दर्द है तो ये हमारा म्यूकस का एरिया है एम यू, एम यू यानी कि म्यूकस के पॉइंट से यहाँ का दर्द निकालेंगे। अगर यहाँ दर्द है तिरछे की बात करूँ तो ये डिस एंट्री का पॉइंट है जो यहाँ का दर्द निकालेगा। यहाँ का दर्द हमारे कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट से निकलेगा, यहाँ का दर्द हमारा लेफ्ट ओबरी के पॉइंट से निकलेगा, यहाँ का दर्द हमारा राइट ओबरी के पॉइंट से निकलेगा, और इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा पूरा का पूरा पेट कवर हो गया। अब आप देखिए कि सारा का सारा पेट हमने कवर कर दिया है। आप जहाँ पर भी हाथ रखेंगे वहाँ कोई ना कोई पॉइंट होगा, उस जगह के दर्द को निकालने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में कोई ना कोई पॉइंट देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये हमारा हो गया गैस आई का पॉइंट, यहाँ दर्द है तो गैस आई से निकलेगा। मैं यहाँ रखता हूँ तो ये डिस एंट्री पॉइंट से दर्द निकलेगा, मैं यहाँ रखता हूँ तो ये म्यूकस से निकलेगा। आप किसी भी एरिया में दर्द हाथ रखेंगे और किसी भी एरिया में पेन है तो हम वहाँ के लिए न्यूरोथेरेपी का पॉइंट देकर वहाँ का दर्द निकाल सकते हैं। अब ये सारा आप समझ गए हैं कि कैसे कौन से एरिया का दर्द हम कौन से पॉइंट से निकालेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए नाभि को चेक करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ, कई सारी वीडियोस में, कि हम नाभि को ऐसे चेक करेंगे। पैंक्रियास को अब कैसे चेक करना है, हाथ आपने ऐसे रखने हैं और यहाँ से ये स्टर्नम बोन जो है, यानी कि जो हड्डी है, इस हड्डी से हल्का सा खिसकाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जैसे ही हड्डी खत्म हो रही है, जैसे ही हड्डी खत्म होएगी, ये हमारी कोड़ी वाला एरिया है, उस कोड़ी वाले एरिया से ठीक नीचे ये जो एरिया है ये पैंक्रियास का एरिया है, ये पैंक्रियास का पॉइंट है, ठीक है। अब इससे नीचे
जहाँ जहाँ मैं अंगूठा रख रहा हूँ वहाँ वहाँ ध्यान करना, मैंने इसलिए नंबर लिखे थे, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ये हमारा गैस ओनली का पॉइंट है, यानी कि यहाँ मैंने दबाया, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यानी कि गैस ओनली, यानी कि स्टमक में पेन है। फिर नीचे एक, दो, तीन, ये जो एरिया है ये गैस आई का एरिया है, यानी कि इंटेस्टाइन वाला एरिया में हमने चेक करा है। अब इसी प्रकार से हम डब्ल्यू डी, एक, दो, तीन, ये हमारा डब्ल्यू डी का पेन हम इस तरीके से चेक करेंगे। अब गॉल ब्लैडर का पेन, मैंने हाथ यहाँ रखा और इस हड्डी के साथ में, जो हमारी रिब्स की हड्डी है, इसके साथ में एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ये हमने गॉल ब्लैडर का पॉइंट चेक करा। इस तरीके से हम चेक करेंगे, मैं हाथ को यहाँ रखूँगा तो यहाँ के पॉइंट को चेक करेंगे, ये हमारा स्प्लीन का पॉइंट जो है, यहाँ के पॉइंट को चेक करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से नाभि से अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये हमारा लीवर का एरिया हो गया, एक, दो, तीन, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने दबा के हल्के हल्के चेक करना है। इसी प्रकार से यहाँ से एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ये हमारा हो गया म्यूकस का एरिया हमने चेक करा। इसी प्रकार एक, दो, तीन, ये हमारा हो गया राइट ओबरी का एरिया, ऐसे चेक करना है दबा के, हल्का सा दबाएंगे, पेशेंट से पूछेंगे दर्द है या नहीं है, इस तरीके से। फिर यहाँ से एक, दो, तीन, तो एक, दो, तीन चेक करेंगे, ये हमारा हो गया लेफ्ट ओबरी का एरिया। इसी प्रकार हम यहाँ चेक करेंगे, यानी कि यहाँ अगर पेन है, इस पॉइंट में पेन है, तो यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन का एरिया है। कैसे चेक करते हैं, मैंने जैसे सभी उंगलियाँ मिलाई हैं और यहाँ पूछना है पेशेंट से कि यहाँ पेन है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के एरिया में पेन है। इसी प्रकार इस एरिया में मैं दबा के पूछूंगा पेशेंट से कि यहाँ पेन है क्या, अगर वो कहता है हाँ, तो इसका मतलब कि डिसेंट्री के पॉइंट में पेन है और यहाँ के दर्द को हम डिसेंट्री पॉइंट से निकालेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कैसे हम किसका डायग्नोस कर सकते हैं और पेट में किस एरिया में पेन होगा तो उसका मतलब क्या है और उस एरिया के दर्द को हम कौन से पॉइंट से निकालेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ जो नई जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे ताकि वो भी इस तरीके की नई नई चीज़ें सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा समर्थन करने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।